तो गाइस रात के हो रहे हैं 11:30 और मैं जस्ट ब्लॉग अपलोड करके एडिट करके आया हूँ। सर भाई मुझे लेने आ गए हैं और हम लोग निकल रहे हैं आगरा के लिए। हमें भी सैफुल को पिक करना है बट उसका फ़ोन नहीं लग रहा, आई थिंक सो गया होगा। सो चलते हैं जल्दी से, मैं लेट हूँ। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं और हम करा रहे हैं गाड़ी में रिफ्यूल, तो देखते हैं अभी कितना आता है, तो चलवा लेंगे। डीजल अच्छा, डीजल क्लीनर इंजेक्टर क्लीनर, सो उसमें छोटे डाल देंगे, फिल कराते हैं, फिर निकलते हैं। टाइम अपडेट अभी दूंगा आपको, पहले एक कॉफ़ी लेंगे, इसके बाद फिर निकलेंगे अभी जर्नी के लिए। 3900 डलवा लिया, बाकी ऑलरेडी है गाड़ी में, टंकी हो गए फुल, लेट्स गो। तो भाई जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, फॉग उससे थोड़ा ज़्यादा है, बट ये कि हम बहुत आराम से जाना था तो इसलिए हम लोग निकल रहे हैं अपना, मस्त आराम से करते हो जाएंगे। सुबह भी ऐसे ही मिलता मुझे लग रहा है। हाँ सुबह भी ऐसे मिलता, सुबह को ज़्यादा। गाइस ट्रांसफार्मर कुछ भी नहीं दिख रहा। सो गाइस अभी हमने लिया था एक टी ब्रेक और टाइम हो गया पूरे पूरा। शॉट आ रहा है, सो वेलकम टू द ताजमहल और आई विल ट्राई टू टेक सम बेस्ट शॉट, बट रश बहुत ज़्यादा ही आज क्योंकि कल फ्राइडे ना, फ्राइडे में क्लोज रहता है ताजमहल, सो इस वजह से रश काफ़ी ज़्यादा है, बट ये कि मज़ा आ रहा है, मौसम बहुत ही अच्छा है, सो ये वाला व्यू भी इंजॉय करना चाहिए, मज़ा आ रहा है। अभी हम लोग आ चुके हैं दूसरी साइड, अभी हम लोग मस्जिद की साइड थे, अब हम दूसरी साइड आए हैं और यहाँ से एक्सप्लोर करके बस हम निकलेंगे वापसी, क्योंकि हमें 7-8 घंटे लग जाएंगे आने में, 10 घंटे लग गए, बट अभी डे टाइम है, बट फॉग बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। मैं आपको भी और शॉट दिखा रहा हूँ, the day I die.
पॉक की वजह से हमारा ज़्यादा अच्छे फोटोज वगैरह वीडियोज वगैरह नहीं आए, बट मैंने ट्राई करा काफ़ी हद तक लेने के लिए। अभी भी फॉग नहीं किया और 12 बज चुके हैं, सूरज बिल्कुल भी नहीं निकला है और हम लोगों को वापस भी जाना है, तो अभी हम लोग एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से। मज़ा आ गया, मौसम बहुत अच्छा, बट आज रश बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। अवॉइड करना थर्सडे को आना, ठीक है? वहाँ चलते हैं फिर बात करते हैं। हम लोगों ने एग्जिट कर लिया है और अब हम वेट कर रहे हैं रिक्शा का, देख रहे हैं। सो हमने रिक्शा वालों को अपने कॉल कर दिया, उन्होंने वापस पिकअप के लिए हमने शुरू में फिक्स कर लिया था उनसे। तो आप लोग अभी आते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, रिक्शा वाले से तय कर लो, वो आपको छोड़ेगा वापस लेके जाएगा। और टिकट हमने ऑनलाइन के लिए, टिकट ऑनलाइन ही करके आना वरना बहुत लंबी लाइन से रहती है टिकट पर। PDF से PDF आ जाएगी आपके पास, उससे काम हो जाएगा, ठीक है? तो चलते हैं अभी, फटाफट गाड़ी उठाते हैं और खाते हैं कुछ। सो गाइस गाड़ी निकाल रहे हैं हम फाइनली, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। हमें एक गाड़ी और उठानी है और वो उठा के हम लोग निकले हैं घर। तो अभी पहले वहाँ जाना है, वो है यहाँ से 30 किलोमीटर अप्रॉक्स, तो चलते हैं, लेट्स गो। गाड़ी ले ली है और हम लोग अभी हाईवे पे हैं और हम लोग अब घर के लिए निकलेंगे। यहाँ से दिखा रहा है 330 किलोमीटर और 6 घंटे, 6.5 घंटे। तो अभी देखते हैं कौन सा रूट लेना है, 2 रूट है, सो चलते हैं। आते हमने ये वाला रूट लिया क्योंकि हाईवे से आना था, मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। सो अभी यहाँ से अपना घर होगा ऑलमोस्ट 160 to 170 किलोमीटर, यानी कि अभी भी काफ़ी सफ़र बाकी है। सो चलते हैं, अभी शाम हो गई तो मैं सोचा अपडेट कर देता हूँ। फिलहाल कोई ब्रेक नहीं लिया हमने, सिर्फ टोल प्लाजा पर टाइम लगा था हमें क्योंकि इस गाड़ी का फास्ट चेक का थोड़ा इशू हो रहा था, अदरवाइज़ काफ़ी सही जा रहे हैं हम लोग। सो मिलते हैं, शाम को हो चुके हैं 6:30 और अब जाके हमने एक टी ब्रेक लिया है जो हम चले थे, जब से रेगुलर चल रहे हैं थक के आवाज़ थोड़ी डाउन हो गई है। तो भाई चाय ब्रेक हो गया कंप्लीट, चाय पेटीज खा ली हम लोगों ने, मज़ा आया काफ़ी, चाय बहुत अच्छी थी पंडित जी ढाबा की। और अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, बस 1.5-2 घंटे लगेंगे अप्रॉक्स और घर पहुँचना है जल्दी से।